नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरसीईटी के एक और मजेदार गजब वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आप सोच नहीं सकते। आरसीईटी एग्जाम में ऐसे हूबहू प्रश्न आएंगे जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। एक एक प्रश्न आपको ध्यान से समझाऊंगा, आप बस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। प्रश्न नंबर एक है, जीबीपीएस का अर्थ क्या है? दोस्तों जीबीपीएस का पूरा नाम गीगाबिट्स प्रति सेकंड होता है। प्रश्न नंबर एक में ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न नंबर दो, एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है? दोस्तों एमएस ऑफिस में ऐसा सॉफ्टवेयर जो व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक या ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, उसका नाम एमएस आउटलुक होता है। तीसरा प्रश्न, वक्तव्य का है, आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अर्थात आउटलुक 2010 है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये वक्तव्य सही है कि गलत है? दोस्तों गलत है, आउटलुक तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा है, स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन एक गलत और दूसरा सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला चौथा प्रश्न, वक्तव्य एक है, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप है, बिल्कुल सही है। अर्थात NTFS का पूर्ण नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। दूसरा है, MS Excel में सेल रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है, क्या ये गलत है या फिर सही है? दोस्तों ये बिल्कुल सही है, MS Excel में रो और कॉलम का जो प्रतिच्छेदन होता है उसे हम सेल कहते हैं। अर्थात वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों ही सही है, तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, आईपी पते का मान्य उदाहरण है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा एक आईपी एड्रेस है, याद रखना कहीं पे भी आईपी एड्रेस पूछे तो संख्या याद कर लेना, ऐसे संख्याएं आती हैं उनमें, तो संख्याएं जहां पर आती है वहां पर वो आईपी एड्रेस होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला है, ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खाली स्थान में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल तो मिल जाएगा लेकिन वह कोई अन्य उपयोगकर्ता का ईमेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपरोक्त फील्ड में है। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हैं और उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम चल सके कि ये ईमेल एड्रेस मेरे अलावा और किस व्यक्ति को भेजा गया है, तो इसके लिए आप BCC का यूज करेंगे। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्वेश्चन नंबर सात है, डोमेन नाम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए कौन उत्तरदायी है? दोस्तों डोमेन नाम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस में बदलने के लिए DNS जो है उत्तरदायी होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। आठवां देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इनमें से जो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है वो है आपका OCR हार्डवेयर है, MS Word सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है और स्कैनर हार्डवेयर है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यहां पर रहेगा। एक और बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम डे मॉर्निंग में जो लाइव क्लास होगी, महत्वपूर्ण लाइव क्लास होती है, हर बार होती है और स्टूडेंट उन्हीं को ये मिलती है जो चैनल का सब्सक्राइबर है, बाकी नहीं मिलती है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि लाइव क्लास में जुड़ सको एग्जाम के दिन मॉर्निंग में, ठीक है। नवा प्रश्न, मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है और प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं, तो MS Excel 2010 में प्रतिशत की गणना का फॉर्मूला क्या होगा? दोस्तों यदि टोटल मार्क्स 600 हैं और 100 नंबर का एक पेपर है तो हम पूर्ण जो हम जो प्राप्तांक होंगे उनको हम 100 से तो गुणा कर देंगे और 600 का भाग दे देंगे, या फिर डायरेक्टली हम 6 का भाग भी दे सकते हैं, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा अपना ऑप्शन, या तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा ये वाला भी आपका जो है ये वाला बिल्कुल सही है, तीसरा ये गलत है और चौथा भी गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले आपको टोटल करना है, प्राप्तांक निकालने का टोटल करने का फॉर्मूला होता है बराबर सम, उसके बाद उसको डिवाइड कर रहे हैं 600 से और भाग गुणा कर रहे हैं उसको 100 से, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। अगला दसवां प्रश्न देखिए, कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? दोस्तों हस्तलिखित गणितीय आ रहा ऑप्शन, बस इतना सा याद रख लेना, हस्तलिखितीय गणितीय अभिव्यक्ति जो करता है उसे मैथ इनपुट टूल कहते हैं, क्या कहते हैं, मैथ इनपुट टूल। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है? दोस्तों साइबर अटैक जो होते हैं उनमें दो प्रकार के अटैक होते हैं। पहला अटैक जो होता है उसे हम पैसिव अटैक कहते हैं, दूसरा अटैक जो होता है उसे हम एक्टिव अटैक कहते हैं। तो जो मूल संदेश में बदलाव कर देता है उसे दोस्तों हम एक्टिव अटैक कहते हैं। कैसा अटैक कहते हैं? एक्टिव। और जो मूल संदेश में बदलाव नहीं करता उसे हम पैसिव अटैक कहते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए काम में लिया जाता है? अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए किसका यूज करते हैं, जो कि एक सर्च इंजन है। दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन होता है, ठीक है, और याहू भी एक सर्च इंजन होता है और बींग भी एक सर्च इंजन होता है। पर यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम नहीं है जो कि एक सर्च इंजन है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेंट। ठीक है, पेंट में तो ड्रॉइंग बनाते हैं, सर्च नहीं करते। 13वां प्रश्न है, ईमेल भेजने के दौरान यदि कोई संदेश की सामग्री का वर्णन कौन करता है? कि आप जब भी कोई मैसेज भेजते हो तो मुख्य जो बात होती है, किस टॉपिक पर मैसेज भेज रहे हो उसका सारांश आप लिखते हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, सब्जेक्ट। 14वां प्रश्न है, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मित्रों स्मृति स्थान यानी मेमोरी से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को रीडिंग करना कहते हैं। जैसे आप किताब से आप डेटा प्राप्त करते हो ना, जैसे आप वीडियो से भी पढ़ रहे हो तो आप डेटा को कॉपी कर रहे हो अपने दिमाग में, तो डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया रीडिंग करना कहलाती है। 15वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट है जिसमें डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के आधार पर मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? अर्थात वह चार्ट कौन सा है जो कि समय के अनुसार वैल्यू को बढ़ते और घटते क्रम में प्रदर्शित करता है? दोस्तों ऐसे चार्ट को हम लाइन चार्ट के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 16वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों की मॉनिटरिंग करता है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट में किए गए जो बदलाव है, चेंजेस है, उनकी मॉनिटरिंग ट्रैक चेंजेस करता है। कौन करता है? ट्रैक चेंजेस करता है। अगला प्रश्न, खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, यानी वर्तमान विंडो को दो टुकड़ों में बांटने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सके। अर्थात दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के दो टुकड़े हो जाते हैं, आधे डॉक्यूमेंट को आप या फिर पूरे डॉक्यूमेंट को आप इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो, दो जगह देख सकते हो। इसके लिए हम स्प्लिट विंडो का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन करना। आगे 18वां प्रश्न बताने से पहले बोलूंगा, आप लोग सभी आरसीईटी की आंसर की इसी चैनल पर मिलेंगी 100% सटीक, और एग्जाम के आधे घंटे के भीतर भीतर यानी 30 मिनट के भीतर इसकी आंसर की आपको मिल जाएगी वीडियो के ऊपर, और आप इसको तब सेंड भी देख सकते हैं या फिर बाद में भी जाकर घर जाके भी देख सकते हैं। तो आप आंसर की मिला लेना वैकेंसी गुरु चैनल पर, और जो सब्सक्राइब कर रखे होंगे उनके पास हम नोटिफिकेशन हमारी टीम भेज देगी आंसर की मिलाने के लिए, ठीक है ना। और पास होने के लिए इसमें 14% सही करने हैं 35 में से, तो आप आंसर की मिलाकर चेक कर लेना, ठीक है। अगला है 18वां प्रश्न, जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर खालिस्तान में सेव होता है। दोस्तों जब आप अधूरा ईमेल छोड़ देते हो तो ईमेल ड्राफ्ट फोल्डर में सेव हो जाता है। अगला प्रश्न है 19वां, गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों के लिए विकसित एक खालिस्तान अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर कौन सा है? दोस्तों एक ऐसा आप जगह, एक ऐसी स्थान या फिर ऐसी जगह जहां से आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉइड फोन में मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? गूगल प्ले स्टोर कहते हैं, सबको मालूम है। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया, यानी विंडोज 10 में कौन सा नया ब्राउजर आ गया जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह ले ली उसने? उसका नाम है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था? दोस्तों विंडोज 10 में वापस से जोड़ दिया गया और विंडोज 8 से हटा दिया गया था स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू है ना, ये विंडो 8 में नहीं होता है, विंडो 10 में वापस जोड़ दिया गया। 22वां प्रश्न है, खालिस्तान कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर के वर्णों को हटाने में सक्षम बनाती है। जैसे यहाँ पर कोई भी नाम लिखा हुआ है जैसे कंप्यूटर, ठीक है, और आपका कर्सर इस जगह है तो आपको यू मिटाना है, यानी कि इस साइड से मिटाना है UTER, तो आप डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे दाएं साइड से डिलीट, और बायां साइड से बैक स्पेस का यूज करते हैं, बैक स्पेस। तो ये दोनों आपको याद रखना, दायां से डिलीट, बायां से बैक स्पेस, तो इसका सही जवाब डिलीट होगा। 23वां प्रश्न,
वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है मित्रों? वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। रिपीट करें एक बार मेरे साथ, बोले वायरलेस फिडेलिटी। अगला, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? यानी वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों, इनमें से एक वेब ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ब्राउजर है, ओपेरा भी ब्राउजर है, गूगल ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम होता है ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर है, गूगल तो सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, तो इसका सही जवाब सी रहेगा। अगला 25वां, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का वैध उदाहरण है? दोस्तों मोबाइल वॉलेट जो है पेटीएम होता है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि मोबाइल वॉलेट होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला है, HTML क्या बनाने के काम में आता है? दोस्तों HTML एक भाषा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उच्च लेवल भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, जो वेबसाइट या वेब पेज बनाने के काम में आती है। आपको बोला जाए वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी भाषा काम में लेते हैं, तो बोलना HTML। 27वां देखो, विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, उसका नाम क्या है? दोस्तों विंडोज 10 में एक इनबिल्ट एंटीवायरस होता है, उसका नाम होता है विंडोज डिफेंडर, मतलब पहले से इंस्टॉल हो जाता है विंडोज 10 के साथ, इसका नाम है विंडोज डिफेंडर, विंडोज को डिफेंड करता है वायरस से। 28वां, कंप्यूटर पीडी में VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC का उपयोग कब किया गया था? दोस्तों कंप्यूटर में VLSI के साथ जो IC लॉन्च हुआ था वो चौथी पीढ़ी में हुआ था, यानी CPU के बारे में पूछ रहा है। VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखना वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चौथी पीढ़ी में आया था, CPU जिसे हम कहते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? यानी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर कौन सा? दोस्तों इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर के उदाहरण है, ठीक है। 30वां प्रश्न, खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां पर फाइल को संग्रहित कर सकते हैं, यानी डिस्क पर एक ऐसी जगह है जहां पर आप फाइलों को स्टोर कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम फोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है 31वां, MS Excel में छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। दोस्तों उन्हें हम स्पार्क लाइंस कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पार्क लाइंस, है ना, जो एक सेल में बनने वाले चार्ट होते हैं उन्हें हम स्पार्क लाइंस के नाम से जानते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं? मतलब हार्ड कॉपी कौन छापता है दोस्तों? हार्ड कॉपी छापता है प्रिंटर, और प्रिंटर इन चारों में ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहते हैं? दोस्तों डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को रिकॉर्ड कहा जाता है, संबंधित डेटा के सेट को रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग उस दस्तावेज को पाठ में शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराना है, यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो, तो आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और 35वां लास्ट प्रश्न है, खालिस्तान प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है, यानी एक ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेते हैं दोस्तों? SMTP। SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न इसमें से आपके सही हुए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भविष्य में वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, आपको एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।